आइए बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के साथ में शुभमन गिल की कुंडली का विश्लेषण। पंजाब के फिरोजपुर में 8 सितंबर 1999 को जन्मे शुभमन गिल टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे हैं। वे पंजाब के एक दाएं हाथ के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। 2018 में गिल आईपीएल के युवा टैलेंट बल्लेबाजों की सूची में सबसे ऊपर थे। साल 2018 में उन्होंने आईपीएल में 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता के साथ अपने सफर की शुरुआत की। शुभमन ने 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में 124 के औसत से 372 रन बनाए। अगस्त 2019 में गिल एक प्रथम श्रेणी के मैच में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय टीम के सबसे युवा बल्लेबाज बने। वे 19 साल और 334 दिन के थे तब उन्होंने त्रिनिदाद और टेबुको में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत ए के लिए 204 रन बनाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुभमन गिल अपनी युवा काल के अंदर ही बहुत अच्छी स्थिति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो कुंडलियां हैं दोनों शुभमन गिल की और तेंदुलकर की कुंडली जो है हमने इंटरनेट से ली है और हम बात कर रहे हैं इनकी सूर्य कुंडली के अनुसार। सूर्य कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि तेंदुलकर के सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य और शनि लग्न के अंदर है। इसके मायने हम लगातार बताते रहे कि जब सूर्य लग्न के अंदर हो और मंगल उच्च राशि के अंदर हो तो एक ऐसी स्थिति व्यक्ति को मिलती है कि जो अपने कार्यों के प्रति बहुत ही डेडिकेटेडली लगा रहता है, अपने कार्यों को बहुत संजीदगी से करना, मेहनत, पूरी तरह से समर्पित जीवन, जिस भी लक्ष्य को निर्धारित कर लें उसको वो व्यक्ति देता है। तो यहाँ देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर इसी तरह के व्यक्ति हैं और सूर्य और मंगल उच्च के ने उनको इतना ऊंचा स्थान दिया। वहीं अगर शुभमन गिल की कुंडली देखते हैं तो मंगल और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर स्वय राशि स्थित हैं। एक तरफ तेंदुलकर की कुंडली में ये उच्च राशि के अंदर हैं और शुभमन की कुंडली के गिल की कुंडली के अंदर ये दोनों ही ग्रह स्वय राशि स्थित हैं। स्वय राशि स्थित ग्रह कितने ताकतवर होते हैं ये हम देख पा रहे हैं कि शुभमन बहुत युवा काल से ही पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने की और बड़ा ही ऊंचे दर्जे का खेल दिखा रहे हैं। लेकिन ये किसी भी स्थिति के अंदर उच्च के ग्रहों के मुकाबले उतना ऊंचाई दर्शाते हुए नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इस उम्र तक आते आते तेंदुलकर ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। साथ ही साथ राहु, चंद्रमा और शुक्र ये भी उनकी कुंडली के अंदर, शुभमन की कुंडली के अंदर एक साथ हैं। इसके मायने क्या होते हैं? चंद्रमा, राहु और शुक्र का साथ होना, शुभमन निश्चित रूप से अच्छे दिखते हैं। शुक्र और चंद्रमा साथ होते ही ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि व्यक्ति दिखने में बहुत अच्छे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही, लोग देख करके नज़रें टिकें और एक एक बहुत ही खूबसूरत से और बहुत ही स्मार्ट एक व्यक्ति के रूप में उनको चंद्रमा और शुक्र की किस कुंडली में कहीं भी चंद्रमा और शुक्र अगर साथ हैं तो आप मान सकते हैं अच्छी स्थितियों में तो आप मान सकते हैं कि व्यक्ति देखने में बहुत आपको एक तरह से अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया दिखाई देते होंगे। या वो उनके साथ में बृहस्पति और शनि का साथ होना उनके अंदर एकाग्रता को बार बार टूट जाने को दर्शाता है। शुभमन गिल बहुत कोशिश करते हैं अपनी एकाग्रता बनाए रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से उनकी एकाग्रता क्रम जब टूट जाता है तो उसका रीज़न शनि और बृहस्पति का साथ होना है। ऐसा ही शुक्र और जो सूर्य और शुक्र का लग्न के अंदर जो देखते हैं सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर, वो भी यही एक स्थिति है कि कभी उनका अगर क्रम कोई बात से, किसी भी अपने चोट से या किन्हीं भी कारणों से अगर जब जब उन्होंने अपनी एकाग्रता खोई तो हमने देखा कि उन्होंने बहुत फ्लक्चुएट करती हुई उनकी स्थिति रही। तो यहाँ हम इन कुंडलियों के माध्यम से जो बताना चाहते हैं वो ये है कि कैसे डेडिकेशन के कौन से सितारे देते हैं, कौन से सितारे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता भंग करते हैं, कौन से सितारे हैं जो आपको खेल में इतना ऊंचा लेके जाते हैं और आपकी स्थिति देश के स्तर पर पहचानी और देखी जा सके और आपको ख्याति मिले। ख्याति के मामले में यहाँ पर सूर्य कुंडली के अंदर तेंदुलकर के अंदर केतु मिथुन राशि के अंदर है और वहीं शुक्र उसका स्वामी होकर शुभमन गिल की कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बैठे हैं। 12वें स्थान शुक्र के लिए बेहतर स्थान माना जाता है। तो शुभमन गिल बहुत जल्दी हमने देखा कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा और इतना सम्मान क्रिकेट के अंदर मिलता चला गया, उनके ऊपर लाइट पड़ी, फोकस लाइट, और वो एक तरह से सितारा हैसियत उनको
मिलती चली गई बहुत सारे युवा खिलाड़ियों के बीच से। तो ये सारी स्थितियाँ निरंतर शुभमन गिल को प्राप्त हो रही हैं, लेकिन जो उनको डेडिकेशन और अपने खेल के ऊपर एकाग्रता दिखानी है उसके अभी बहुत आवश्यकता है। उनका लंबा क्रिकेट जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कितनी एकाग्रता अपने खेल में दिखाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर को हमने देखा है घंटों नेट प्रैक्टिस करना, खेल के बाद भी खेलना और उसके बाद भी खेलना, तो लगाकर बचपन से और जब तक वो रिटायर नहीं हो गए तब तक सिर्फ खेल खेल और खेल ही उनके दिमाग में रहा। लेकिन यहाँ शुक्र के साथ में चंद्रमा और राहु की स्थिति शुभमन को और भी बहुत सारी चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं उनके जो वरीयता क्रम के अंदर कुछ और चीज़ें भी आ सकती हैं खेल के अलावा। तो यहाँ इस कारण से ये उस कंपटीशन में कहीं ऐसा ना हो कि खेल के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाएं। अगर उन्होंने अपने इन सब चीज़ों पर काबू पाया और चीज़ों को बेहतर करने के लिए अपनी मेहनत को पूरी तरह से समर्पित हुए क्रिकेट को, तो एक अच्छा भविष्य उनका हो सकता है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।